यार ये जल्दी से सबमिट कराते हैं। खजिस्ता, मैं सच बताऊं, मैं वाकई में डर गई थी यार। ये अल्फाज नहीं बोला करो हमारे साथ, अम्बटान लोगों में बुरा समझा जाता है और खास तौर पे औरतों को। तुम्हें अजीब नहीं लगता ये लफ्ज? अच्छा भाई पठानी साहिबा, वैसे एक बात बताऊं ऑनेस्टली, तुमने वाकई मेरी जान निकाल दी थी, मेरे हाथ पैर फूल गए थे। तुमने सोचा होगा खजिस्ता मर गई, अब इसके सारे घर वाले आके हमें गोलियों से भून देंगे। वैसे ऑनेस्टली पता है मुझे यही लगा था, और मुझे ही क्यों, सबको ही ऐसा लगा था। वो लड़का था ना सीनियर जो तुम्हारी फाइल ले रहा था, क्या नाम है उसका, हादी, उसके तो पसीने छूट गए थे। तो उसने खजिस्ता को समझा क्या है? मैं दरगज़ई को भुगत चुकी हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। फिर एक तो दरगज़ई कौन है, हर वक्त तुम उसका नाम लेती रहती हो। मेरी मौत का फरिश्ता, जब मैं मर जाऊंगी ना तो किसी को किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद सबको बताएगा कि उसने मुझे मारा। खजिस्ता तुम तो सीरियस हो गई, इतने आसानी से मरने वाली नहीं हूं मैं। चलो जल्दी से ये जमा कराते, लेकिन सुनना एक फोटो बनाओ ना मेरा। खजिस्ता यहाँ अपने फोन से बनाओ, अच्छा आएगा, अच्छी उतरना, थोड़ा दूर से ठीक है। हाँ सर, डॉक्टर लग रही है? लग रही हो, ठीक है, चलो हो गया, हो गया, चलो चलो। अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है। बड़ा सारा कड़वा खबर सुनाकर किधर मर गया तुम? अच्छा अच्छा ठीक है, अभी ऐसे करो, अमरोज खान के शजरे पर जाओ, उसको पैगाम भेजो, उसको बोलो बहराम खान को आकर मिलो। हाँ बोला ना, उसको बुलाओ इधर ताकि देख सके कि कितना बेगैरती मौजूद है उसमें। अपना लड़की शहर भेज दी है, शहर से मर्दों को बुलाकर काम करवाता है। हाँ उसको बोलो बहराम खान ने बोला। इसका तो सारा बेगैरती अभी हम देखते हैं। दरगज़ई आओ कावा पी लो। मुझको नहीं पीना कावा मावा, तुम पियो, जहां जाते वक्त कावा ही पीते हो बस। तुम भी पी लिया करो कावा, जो हर वक्त तुम्हारा दिमाग उबलता रहता है ना, इसको थोड़ा सुकून मिलेगा। सब समझ रहा हूं तुम्हारी बातें लाला, दिमाग सुकून में था, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी वजह से है, ये तिल मिलाहट तुम्हारी इनायत है। मैंने ऐसा क्या किया? क्या पूछना चाह रहे हो? तुमने क्या किया तुमको मालूम नहीं है, या जानबूझ के अनजान बन रहे हो, या ये देखना चाहते हो कि दरगज़ई कितना सह सकता है? जस्ता की बात कर रहे हो? याद आ रही है वो? मुझको याद मत नहीं आती, मर्द का बच्चा हूं, किसी औरत के लिए आंसू नहीं बहाता। लेकिन तुमने जो किया वो गलत है, तुम उसको शहर में गैर मर्दों के आगे छोड़ाए हो, इसीलिए तुमसे कहता था थोड़ा पढ़ लो, ताकि तुम्हें मर्दों के आगे छोड़ने और मर्दों के साथ पढ़ने में फर्क पता चल सके। बस लाला ये पढ़ाई बढ़ाई का। अमरोज खान, अमरोज खान, अमरोज खान, क्या हो गया काका? तुम्हारे पीछे कोई मौत का फरिश्ता है? आराम से बोलो। वो बहराम खान का आदमी आया था, आपको और बड़े खान जी को अपने हुजरे में बुला रहा है, उधर और लोग भी बैठा है। खैरियत? वो बता रहा था कि वो सड़क के बारे में कोई मशवरा करना है। ओए काका एक बात कान खोल के सुनो, उसको बोलो उसको मशवरा करना है तो वो खुद चल के हमारे पास आए, हमारा उसके गांव में उसके पास कदम रखना हराम है। बड़ी तकलीफ है बहराम को सड़क की। तुम भी लाला सोच समझ के उससे बात करो, कहीं तरक्की के नशे में ये पहाड़ ना घिस जाए, हाथ मलते रह जाओगे, बता रहा हूं तुम्हें।